उन्हें मैं बता देती हूँ। वरुण जी ने थिएटर से अपनी करियर की शुरुआत की थी 1992 में एनएसडी से और एनएसडी के एक वर्कशॉप से, जिसके बाद इन्होंने नैनीताल में कई सारे प्लेस किए हैं। फिर 2002 में लखनऊ दूरदर्शन के साथ इन्होंने दोबारा अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने रक्त बीज, आरी, इशक जादे, डेढ़ इश्किया, मुल्क, वाई चीट इंडिया, बाटला हाउस, रेड और थप्पड़ जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने ताजमहल, रंगबाज, मिर्जापुर, मिर्जापुर टू जो आने वाली है, राइट सर, मिर्जापुर टू और आश्रम जैसी कई सारी वेब सीरीज में भी काम किया है। तो आज हम वरुण सर से बात करने वाले हैं थिएटर में करियर के बारे में। और वरुण सर से अच्छा कौन हमें थिएटर के बारे में गाइड कर सकता है, तो मुझे इसका कोई ऑप्शन नहीं दिखाता अदर देन वरुण सर। तो मैंने वरुण सर को अपने शो में इनवाइट किया है और कुछ Thank लोग you. जिनके पास कई और जो लोग थिएटर में इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हमसे इस शो के दौरान पूछ सकते हैं। तो वरुण सर आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? अपने बारे में आपने सब कुछ बता दिया, मेरे बारे में अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, लेकिन फिर भी नाम मेरा वरुण कुमार टामटा है और पेशे से मैं एक एक्टर हूं। और आपने जैसे बताया 1992 में मैंने अपना, इसको प्रोफेशनल तो नहीं कहेंगे, मैच्योर थिएटर मैंने वहां से शुरू किया था, इसलिए कि मैं एक बतौर कलाकार एक एक्टर में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकूं प्रोफेशनली। वहां मैंने अपना पहला थिएटर, मुझे पहले नहीं, मुझे एक्टिंग के बारे में एज सच कुछ नहीं पता था टेक्निकली, जैसे सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ। मैं फिल्में देखा करता था, मुझे मेसमराइज करती थी फिल्में। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी ये करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए हम आगे बात करेंगे जब कोई सवाल ऐसा आएगा कि क्यों करना चाहिए। तो मैंने भी फिर सोचा कि चलो यार एक्टिंग की जाए, इससे मेरा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि पता कुछ नहीं था, हम कॉपी करते थे, जो हम फिल्में देखते थे उसकी कॉपी करते थे। हमें लगता था हम भी ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई नहीं पता थी उसकी। करते 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 करने लगे, फिर जाके गहराई में पता चला कि सर काफी कुछ स्ट्रगल रहा होगा आपका जब आपने करियर की स्टार्टिंग की, जब आप एक्टिंग में आना चाहते थे, जैसे कि सबका होता है कि कई लोगों को फैमिली से इश्यूज होते हैं या और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपका किस तरीके का स्ट्रगल था जब आप एक्टिंग में आना चाहते थे? जी मेरा अच्छा खासा, मैंने बताया ना कि मैं फिल्में देखकर मुझे मेरा मन करता था, ये उस टाइम की बात है, मतलब 88-89 की बात है, जब घर वाले इस प्रोफेशन में आने के लिए मना करते थे। आज की तरह नहीं था, आज तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो पेरेंट्स ने बोला, पेरेंट्स में खासतौर से पापा नाराज होते थे, हम मम्मी के पीछे लगे रहते थे, थोड़ी सिफारिश कर दो, ये हम करना चाहते हैं। तो वो लोग डांटते थे, मेरे फादर कहते थे इतना पढ़ा लिखा क्यों रहा हूं मैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये सब नौटंकीबाजी करेंगे, जैसे होता है नॉर्मली। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं फादर से अपने बहुत डरता हूँ, आज भी डरता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। फिर बात आई गई होगी, मैंने अपना हाई स्कूल किया, फिर ट्वेल्थ किया, फिर जब ग्रेजुएशन करने की बारी आई तो थोड़ा सा, मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, नॉर्मली जैसे पहले होता था, पेरेंट्स एक माइंडसेट होता था कि डॉक्टर बनना है। मैंने कहा ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे कोई लक्षण है नहीं मेरे अंदर कि मैं डॉक्टर बन सकूं। कोशिश की, पैसा भी बर्बाद किया फादर का, लखनऊ भी आए, पहले हम लखनऊ में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, लखनऊ आए, यहाँ कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए। तो अंदर से मन नहीं करता था कि यार, क्योंकि ऐसा कोई बहुत इच्छा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी एक साल मैंने अपना वेस्ट किया इसमें। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो अब नहीं हो रहा है तो तब तक एक काम करो, तैयारी भी करो और साथ में कोई कॉलेज ज्वाइन कर लो, BSc। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है बचने का। तो मैंने अल्मोड़ा में, जहां से मैंने थिएटर की, तो मैंने अल्मोड़े में BSc मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया। वहां मुझे थिएटर की एक वर्कशॉप के बारे में पता चला कि होने वाली है, जो लेट निर्मल पांडे, जो रेनाउंड थिएटर और फिल्म के एक्टर रहे हैं जो अब नहीं है, उनकी एक वर्कशॉप थी। मैं उनको नहीं जानता था ये कौन है क्या है। तो मेरा एक दोस्त विमल और मैं दोनों
पहुंच गए वर्कशॉप के ऑडिशन देने के लिए। हमें कुछ भी इल्म नहीं था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। दरवाजा खोला, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, तो हमें लगा कि हमसे बेहतर एक्टर कोई हो ही नहीं सकता है। हम तो ऐसे ही गए थे, वहां बैठे, बुलाया अंदर आइए, हम चले गए। हमें नहीं पता था कि वो सामने जो शख्स बैठा है वो निर्मल पांडे, उस वक्त उन्होंने बैंडेड क्वीन फिल्म साइन की थी। आपने देखी है बैंडेड क्वीन फिल्म? जी, हमें नहीं पता। अच्छा। तो विक्रम मल्लाह का कैरेक्टर जिन्होंने किया था निर्मल पांडे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, हाँ वो तो काफी जी। तो हम लोग बैठे, बातचीत हुई, क्या करते हो? हमने कहा हम तो एक्टर हैं, बनना चाहते हैं और बड़ा जोश है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ऐसे गर्दन लाई, चलो ऐसा है एक फॉर्म भरो। हमने फॉर्म भरा, बोले 100 रुपए निकालो। तो उस समय 92 में 100 रुपए बहुत होते थे, हमको घर से ही कम पैसे मिलते थे, स्कूल कॉलेज। तो मालूम चला वो एक नॉमिनल फीस है जो एनएसडी जब वर्कशॉप कर, तब उस समय एनएसडी ने शुरू किया था वर्कशॉप करना एनएसडी से बाहर निकल के। तो वो मेरे ख्याल से पहली वर्कशॉप थी एनएसडी की जो अपने कैंपस से बाहर निकल के उन्होंने शुरू की थी। खैर 100 रुपए दे के हम लोगों ने किसी तरह वर्कशॉप ज्वाइन की। पहला दिन हुआ क्लास में, हम किसी को नहीं जानते थे थिएटर क्या होता है क्या नहीं होता है। नॉर्मल हमारे सामने बड़ी बड़ी हस्तियां, जो आप हमें पता चलता है कि इतनी बड़ी हस्तियां, उत्तरा बावकर वो आई, विजय कश्यप जो एनएसडी के रेनाउंड एक्टर्स थे वो लोग, उसके बाद देवराज अंकुर जी, ये सब, बी एम शाह जी जिनके नाम से भारतेंदु नाट अकेडमी में बी एम शाह प्रेक्षा गृह है, तो लेट बी एम शाह जी वो सब क्लास लेने आते थे। और जब पहले दिन की क्लास हुई आलोक चैटर्जी वो आते थे, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमारे सर के ऊपर से निकल गया। हम तो सोचते थे फिल्मी, हम एक्टिंग तो फिल्म, हमारे लिए एक्टिंग का मतलब फिल्म होती थी। वहां कुछ एक्शन नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ मारधाड़ नहीं है, समझ नहीं आता था ये क्या बात कर रहे हैं। तो बेकार बात है, हमें पहले दिन वहां पे, हमने रात को अपने दोस्त से कहा यार बेकार है, निकल लो यहां से, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। उसने कहा नहीं, इसको करो देखो कुछ हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो। हमने कहा चलो देखते हैं अगले दिन। और वो क्लास हमारी होती थी सवेरे 7 बजे से शाम को 6 बजे तक क्लास होती थी, इतना लंबा ड्यूरेशन होता था। तो पहले दिन तो आदमी वैसे ही बोर हो जाएगा इतना लंबा क्लास करेगा, लेकिन दूसरे दिन जब क्लास शुरू हुई, जब मतलब प्रॉपर शुरू हुई, तब मेरी आंखें खुली। जो मैं सोचता था एक्टिंग को लेके वो बिल्कुल उलट था, बिल्कुल फर्क था उससे। तब मेरा इंटरेस्ट उसमें धीरे 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 डेवलप हुआ। तो जो मैं एक पहले की नॉलेज लेकर जो मैं आया था कि एक्टिंग है, उसने मुझे बिल्कुल अलग किस्म का एक सीन दिखाया उस वर्कशॉप ने। और वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज एंटायरली डिफरेंट। हाँ ये है जो मुझे समझना चाहिए, जो मैं समझ रहा था वो नहीं, जो ये है ये मुझे समझना चाहिए। तब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। तब मेरे इसके, तब मैंने कहा नहीं अब मुझे यही करना है, क्योंकि समझ आ गया था। अगर समझ नहीं आता, मैं पहले दिन अगर बाहर निकल जाता तो शायद मैं उसको समझता, तब उसके बारे में आगे क्या है, एक्चुअली में एक्टिंग क्या है ये चीज तो पता ही नहीं चल पाती, ये नहीं पता चल पाती। जी तो सर जब आप थिएटर में आए तो आपने, मतलब आपने जैसे बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट रहा और 100 रुपए भी उस समय बहुत मायने रखते थे जैसे कि आपने बताया, तो जब आप थिएटर में आए तो आपको क्या ये था कि आपको थिएटर से कुछ पैसा कमाना है? ऑब्वियसली जब 100 रुपए की इतनी वैल्यू थी तो थिएटर में आने की पैसा तो ऑब्वियसली हर किसी को चाहिए होता है, तो थिएटर से में उस समय इनकम का क्या सोर्स था या अब इनकम क्या पॉसिबल है थिएटर में अच्छी इनकम? आप जो ये बात कर रही हैं, ये जो माइंडसेट है ना, ये 2006 या 7 के बाद डेवलप हुआ कि थिएटर में पैसा कमाया जा सकता है। हमें पता ही नहीं था कि इससे पैसा कमाया जा सकता, हमें तो यही था कि ये करके फिल्मों में जाएंगे, फिल्मों में पैसा होता है। अच्छा। थिएटर में पैसा होता है इसका तो हमें ना किसी ने बताया, ना हमें कोई टीचर ये गाइड करता था कि थिएटर में पैसा होता है, और ना कभी हमने पूछा, क्योंकि हमारा सारा इंटेंशन था उस एक्टिंग को, उस थिएटर को समझने में। तो हमारा ये जो ये कल्चर डेवलप हुआ है ना कि प्रोफेशनलिज्म विद
मनी, है ना, प्रोफेशनलिज्म विद मनी, कि आप ये करोगे आपको उसके एवज में पैसा मिलेगा। वो पैसा मिलने की जो नॉलेज हमको मिलती थी वो फिल्मों के लिए मिलती थी, रिगार्डिंग फिल्म, कि वहां जाएंगे तो वहां बहुत सारा पैसा कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे जैसे एक्टर्स कमाते हैं। ये एक एक, एक मिसकंसेप्शन था हम सबके दिमाग में। तो थिएटर में ऐसा कुछ भी नहीं था और आज भी नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बोलूं, जो लोग आना चाहते हैं थिएटर में, आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से करते हैं, यानी अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करके बाहर निकलते हैं या भारतेंदु नाटक अकेडमी से कोर्स करके बाहर निकलते हैं, तो 40% चांसेस होते हैं कि आप वहां से पैसा अर्न कर सके थिएटर से। ये बड़ा ये एक विडंबना है कि थिएटर से पैसा अर्न नहीं किया जा सकता है, और किया भी जा सकता है तो वो बहुत ही हैंड टू माउथ है और उसमें आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में थिएटर का मतलब जो है वो ग्लैमर है, यानी वो फिल्में हैं। मैं आपको शुरू से ये बोल रहा हूँ, फिल्में हैं, हम फिल्मों में जाना चाहते हैं। और आप किसी भी थिएटर एक्टर को देख लीजिए, वो थिएटर में कितना सर्वाइव कर रहा है, करते हैं, लेकिन वो साथ साथ में पैरेलली फिल्म भी करते हैं जिसको वो बैलेंस करते हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन थिएटर में ऑब्वियसली ये बना रखा है, ऐसा है नहीं, बना रखा है। और मैं इसको बुरा नहीं कहता हूं, मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है। हम ये करते हैं भाई, अगर थिएटर है तो साथ में FTII भी तो है जो फिल्मों की एक्टिंग के लिए है। टेक्निक का फर्क है, वो एक अलग इशू है, हम उस पर अलग से बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा थिएटर से पैसा बिल्कुल नहीं कमाया जा सकता है, इतना तो बिल्कुल नहीं कमाया जा सकता है कि आप अपनी फैमिली को रन कर सकें। बहुत बिरले ही होंगे ऐसे अपवाद, होंगे अपवादों के सहारे आप कोई सेट नहीं कर सकते हैं कि नहीं इसी से कमाया जा सकता है। तो इस गलती में कोई ना रहे कि वो थिएटर ही करके अपनी सारी जिंदगी, हाँ वो थिएटर करे, सारी जिंदगी करे, लेकिन एक ऑप्शन उसके पास हो सर्वाइवल के लिए, वो मस्ट है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि थिएटर से काफी कुछ सीखा जा सकता है और काफी अपने अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो आप जब थिएटर में आए, आप इतने मजे हुए आर्टिस्ट हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आए थिएटर के बाद? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है परीन। आवाज क्लियर नहीं है मेरी सर? हाँ, बहुत वो इको कर रही है, मुझे लग रहा है वो नेटवर्क का इशू है, वो आपके स्क्रीन पे अभी वो शो बफर कर रहा है, वो कुछ। एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा। मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्या मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी सर। नहीं, आपकी मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है मेरी आवाज, आपकी आवाज। हाँ, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है मेरे पास, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैं एक मिनट में कनेक्ट कर लेती हूँ उसे दोबारा से, दूसरा नेटवर्क भी है मेरे पास, मैं उससे। यस सर, आवाज आ रही है अभी? हेलो, हाँ अब आ रही है क्लियर जी। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। नहीं, कोई नहीं, वो टेक्निकल है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया अभी कि थिएटर से पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये बात बहुत क्लियर है, लेकिन थिएटर से काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो आपने थिएटर में इतने साल रहने के बाद, इतने साल से आपने
थिएटर को अपनाया है, किया है, तो आपके अंदर ऐसा कौन सा चेंज आया है थिएटर करने के बाद या थिएटर में रहते हुए, तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए। थिएटर में रहने के बाद चेंज आया, परसेप्शन चेंज हुआ है एक्टिंग को लेके। जैसे मैंने पहले बोला, एक्टिंग जी एक वो ग्लैमर नहीं है, वो एक लाइफ को समझने के लिए एक पार्ट है और बहुत सॉलिड पार्ट है थिएटर। थिएटर में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है, थिएटर में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। डायरेक्शन आता है, कॉस्ट्यूम आता है, लाइट आता है, सेट आता है। तो सिर्फ एक्टिंग को ही थिएटर नहीं मानना चाहिए। थिएटर एक एक कंबाइंड सेटअप है जिसमें सारी चीजें आती हैं। तो आपको एक समझ आती है, एक जिसको एक आर्ट आप समझ पाते हैं किसी भी चीज को, कि हमारा देखने का नजरिया जब हम किसी कला के क्षेत्र में बात करते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, डिजाइनिंग हो, एक्टिंग हो, ये इंटर रिलेटेड हैं सारी चीजें। तो इसका जो जी एक समागम है वो आप आसानी से समझ पाते हैं जब आप थिएटर को नजदीकी से देखते हैं। थिएटर ग्लैमर जी नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। जी सर, तो एक परसेप्शन का तो चेंज है जो आता है। थिएटर के बारे में आपको सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगती है कि मतलब थिएटर करने में एज एन आर्टिस्ट आपको ऐसे क्या लगता है कि जो बहुत ही डिफिकल्ट है या मतलब कठिन है सीखने में या करने में, या हो सकता है उसका स्ट्रगल, आपको क्या लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है थिएटर को लेकर? डिफिकल्ट होती नहीं है, डिफिकल्ट हम बनाते हैं। सेंस, अगर आई डोंट हैव अ सिंगल पेशेंस, अगर मेरे अंदर धैर्य नहीं है, तो मैं थिएटर क्या, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूं। आपको कोई भी चीज समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, और आपको चाहिए होता इंस्टेंट। मैंने जी आज किया और मैं खट से कोई चीज पा लूं, है ना? तो जब आप इस प्रोसेस में जाते हैं, इंस्टेंट वाले में, तब आप स्ट्रगल में होते हैं। तब आप, जिसको आप कह रहे हैं ना कि बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो तभी होती है जब आप उसकी प्रोसेस को पेशेंसली फॉलो नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करेंगे, तो आपको हर जगह स्ट्रगल मिलेगा। तो मोस्टली जितने भी नए बच्चे जो आना चाहते हैं थिएटर में, या वो आते हैं, जब भी कभी उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, तो यही उनकी समस्या यही होती है कि वो आज उन्होंने कुछ किया और इंस्टेंटली वो भागना चाहते हैं कि मुझे अब बम्बई जाके, अल्टीमेटली उन्हें बम्बई जाना होता है कि वहां जाके मुझे काम मिल जाए। और फिर वो उनका स्ट्रगल वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है जब वहां जाकर उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहता, जो काम मैं कर रहा हूं मैं उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। और उसके बाद ये होता है, साल 6 महीने के बाद आप वापस आते हैं और फिर कोई और काम करना शुरू करते हैं, और फिर कहते हैं कि ये बहुत बेकार चीज है। बेकार चीज वो तब तक होती है जब तक आप उसके एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं उनको नहीं समझते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो उसको समझना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ चूक कहाँ हो रही है हमसे। एक बात मैं ये बता दूं कि जब मैंने आपको बोला शुरू में कि जब मैं आया था तो मैं भी मेस्मराइज होके आया था। एक इन्फ्लुएंस था मेरे अंदर फिल्मों का कि मैं एक्टिंग करना फिल्मों से चाहता हूँ, फिल्मों से। तो नॉर्मली सबका इन्फ्लुएंस होता है कि वो एक इन्फ्लुएंस के सहारे वो हीरो एक्टिंग बनना करना चाहते चाहते हैं, हाँ, हीरो बनना चाहते हैं। तो जब वो किसी इन्फ्लुएंस से आते हैं और उनको अपने बारे में नहीं पता होता है कि वो है क्या, वो कर क्या रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं, उनकी प्रोसेस किस चीज में ज्यादा है, तो वो, क्योंकि ये दोनों, ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है ना कि आप कुछ और हैं और कुछ और होना चाहते हैं, और वो जब करता है तभी स्ट्रगल पैदा होता है, तभी आपकी बहुत सारी चीजें टकराती हैं ऐसे फ्रिक्शन में। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मैं इन्फ्लुएंशियल तो नहीं हूं, या मैं इसको समझ के, मेरा इसको समझना चाहता हूं, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग होता है। इन्फ्लुएंशियल और बिल्कुल इमीडिएट वाले में यही फर्क है।
मैंने कभी किसी और चीज के लिए, हाँ मेरे फादर ने जरूर मुझे डॉक्टर के लिए कहा था, उसमें मैंने 1 साल वेस्ट किया, उसके बाद मैंने किसी चीज का कोई एग्जाम नहीं दिया, मैंने कहा नहीं मुझे करने। फिर वो घर में एक अलग है, वो महाभारत होती है, फादर अलग खींचते हैं, मदर प्रोटेक्ट करती है बच्चों को, नहीं ये करना है वो करना है, वो एक अलग है। लेकिन आपकी आपको समझना होगा जिसको जाना है कि वाकई में मुझे करना, और बिल्कुल बारीकी से बहुत गहराई से समझ के जाना, किसी के कहने पे नहीं जाना। मैं एक्टर हूं, मैं अगर आपसे बोलूं कि नहीं एक्टिंग बहुत बढ़िया प्रोफेशन है जाओ करना चाहिए, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये है, तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। और मैं सबसे, जो लोग भी अभी लाइव हैं, जो बच्चे समझना चाहते हैं, वो ये बात वो ध्यान से समझ लें कि किसी इन्फ्लुएंस में नहीं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, रियलिटी शोज हो, कुछ भी हो, प्लीज ऐसा मत करिएगा, वरना आगे जाके आपको फिर रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, और फिर आप कहेंगे कि ये, फिर आप तरह तरह के आप एग्जाम्पल्स देंगे, तो वो नहीं नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सर थिएटर में आपने कई सारे प्लेस किए होंगे, अभी तक आपने काफी सारे प्लेस किए हैं, तो आप जब स्टेज पर जाते हो एज एन एक्टर, तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो आप कभी नहीं भूल, मतलब स्टेज पर जाने से पहले, आपके हर एक प्ले से पहले, कोई एक ऐसी चीज है क्या जो आप कभी नहीं भूलते या आप हमेशा करते हो? हाँ, वो हमेशा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आज सबको पता होगा कि आपने भी मेरे साथ एक प्ले किया है, पता है ना सबको? मोस्टली लोगों को पता ही होगा। तो वो एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज है जो हम लैक करते हैं जब हम स्टेज पे जाते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं भूलनी चाहिए, या जो आप वो होता है अपने आप को, आपको खुद को, जब आप स्टेज पे होते हैं, बीइंग एन एक्टर होता क्या है, मैं फिर से बोलूंगा, और ये बहुत ही महीन और बहुत ही बारीक सा एक समझ है कि जब हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक्टर हैं, लेकिन एक्टर है कौन? मैं हूं ना एक्टर, अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं उस एक्टर से डिफरेंट तो नहीं हो सकता हूं ना, मैं उस एक्टर से डिफरेंट तो नहीं हो सकता ना। तो अगर मैं अपने आप को भूल गया तो मैं वहां कुछ भी क्रिएट, कुछ भी कर दूंगा जो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट होगा, बियॉन्ड द सीन होगा। तो मुझे हमेशा अपने आप को ये याद रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है कि मैं बतौर एक एक्टर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूं, और एवरी मोमेंट यू हैव टू बी अवेयर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मूव ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप स्टेज में परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको देखना सुनना पड़ता है। मसलन आपको लाइट का सारा अंदाजा होना चाहिए, फोकस कहां पर आ रहा है, कौन सी लाइट कहां से आ रही है, आपका आपका क्यू क्या है उस एक्टर का, ठीक है ना, म्यूजिक कहां पे ऑन हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, तमाम ऐसी टेक्निकल चीजें हैं। जब तक आप खुद में अवेयर नहीं होंगे तो आप इन सब चीजों को कैसे समझ पाएंगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मत भूलिए कि आप ही वो एक्टर हैं। बिल्कुल सर। तो थिएटर करने के बाद आप, पहले आप थिएटर में आए, उसके बाद में आपने फिल्मों में ज्वाइन किया या फिल्में करना स्टार्ट की, तो आपका ये जो सफर था थिएटर से फिल्मों तक, जैसे कि आपने बताया है ऑलरेडी, तो आपको कैसे चांस मिला फिल्मों में? काफी सारे लोगों को एक क्लू नहीं होता कि फिल्मों में आया कैसे जाए, या कैसे, मतलब उसका कैसे ऑडिशन दिए जाए, क्या उसका प्रोसेस होता है, तो थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ, ऑडिशन के प्रोसेस से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति या बच्चा या लड़का या लड़की अगर थिएटर में आना चाहते हैं या एक्टिंग आपको अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑनेस्टली अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको पहले इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, और अगर वो कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या FTII या फिर भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, वहां से अगर निकलते हैं या कुछ ट्रेनिंग करते हैं या सेल्फ में इतना इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने किसी इंस्टीट्यूट से कोई
ट्रेंड एक्टर नहीं हूं मैं किसी इंस्टीट्यूट से, मैंने अपने आप सेल्फ से किया है। और सेल्फ से आदमी तभी करता है जब वो उसका इंटरेस्ट होता है, फिर वो ये नहीं देखता है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर वो ये नहीं देखता है कि मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, उसको सिर्फ उसको प्यार होता है अपने काम से। तो ये सबसे पहला है कि उसे अपने काम से प्यार होना चाहिए। अब आपने पूछा कि मैं ऑडिशन कैसे दूं, क्या दूं, फिल्मों में कैसे आऊं, तो आने के लिए सबसे पहले आपको ऑडिशन, आपको उस माहौल में, उस फर्टिनिटी में अपने आप की पहचान, जब आप थिएटर करेंगे तो लोग आपको जानने लगेंगे, जानेंगे क्योंकि ये सारे का सारा का सारा काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस फर्टिनिटी में आप मूव करेंगे, लोगों से मिलेंगे, थिएटर अगर आप कर रहे होंगे, आपके परफॉर्मेंस से लोग इन्फ्लुएंस होंगे या उनको पसंद आएगा आपका काम तो वो आपसे बात करेंगे। तो जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। और जब भी कोई नया काम या फिल्म से संबंधित या वेब सीरीज या एड से संबंधित कोई काम आता है तो शहर के अंदर एक ऑडिशन का एक एड आता है, वो इंटायर होता है, वो इंटरनली होता है, टीम के ग्रुप में ही होता है, जो लोग इसी फील्ड से जुड़े हैं उन्हीं के लिए, नॉर्मल बाहर लोगों को नहीं पता होता। तो उस ऑडिशन में अगर आपकी उम्र, आपका कद काठी अगर उस ऑडिशन में मिलती है तो आप जरूर उस ऑडिशन के लिए जाइए। उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि ऑडिशन ऑनलाइन करेंगे या आपसे वीडियो मंगवाएंगे या किसी जगह पर, नियमित जगह पर वो ऑडिशन होगा, उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि फिल्मों में, वेब सीरीज में, टीवी सीरियल में या टीवी एड में किसी चीज के लिए भी ऑडिशन होता है, और ऑडिशन के बाद ही ये तय होता है कि आप वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती, तो ऑडिशन उसका सबसे पहला स्टेप है फिल्मों में जाने का। तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी और उसके साथ में कुछ ऐसी यादगार, कोई ऐसा मोमेंट है जो आप अभी तक आपको याद आता है या कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? पहली फिल्म जो मैंने की थी वो थी रक्त बीज, और उससे पहले मैं ईटीवी उत्तर प्रदेश जो है उसमें मैं पहले एक 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 प्रोग्राम आता था, जैसे अब ये जैसे आजकल आते हैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया आते थे, उस टाइम पे आता था ईटीवी में आता था दास्ताने जुर्म। तो दास्ताने जुर्म में हम लोगों ने बहुत काम किया था उसमें। उस टाइम पे यूपी और उत्तराखंड और बिहार का एक ही था यहाँ पे, वो बहुत लोग देखा करते थे। और वहां से जब हम लोग वो ऐसे ही करते थे, करने के बाद जब कभी गांव जाते थे तो लोग कहते थे हमने आपको दास्ताने जुर्म में देखा, तब ये एक होता था। तो दास्ताने जुर्म को करने वाले एक डायरेक्टर हैं अनिल बलानी साहब, वो एक फिल्म कर रहे है रक्त बीज। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम आओ, मैं एक फिल्म कर रहा हूं। मैं उनसे मिलने गया होटल में, तो उन्होंने कहा इस फिल्म में मैं चाहता हूं तुम असिस्ट करो। मैंने कहा सर मैं तो एक्टर हूं। मैं कहने लगे नहीं, तुम इस फिल्म को असिस्ट करो तो तुमको फिल्म का भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं उस समय कोई काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। अब पैसे वाली बात आई ना, फिल्मों में पैसा है, मिलता है। तो उन्होंने कहा तुमको एक सैलरी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो फिल्म बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उसको ज्वाइन किया। तो ये पहले दिन की बात हुई, रीडिंग हुई, डिस्कशन हुए, व्यूज एक्सचेंज किए रीडिंग के दौरान, ठीक है अब हम इसको मई में शुरू करेंगे, मैं 2 महीने पहले की बात। फिर 15 दिन के बाद फोन आया, आओ एक मीटिंग करते हैं। मैं फिर गया, बोले इस फिल्म की कास्टिंग भी तुम्हें करनी है। मैंने कहा अरे ये तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है। तो उस समय कास्टिंग डायरेक्टर का जो पोर्टफोलियो हुआ करता था वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था उस समय, क्योंकि 2005-06 के बीच में ही शुरू हुई थी कास्टिंग का प्रोसीजर। तो मैंने कहा ठीक है करता हूँ सर, कास्टिंग भी करता हूँ। तो मैंने कास्टिंग शुरू की, उसमें काफी लोगों को कास्ट किया, हो गया कास्टिंग वगैरह सब हो गई, दे दिया, चलिए ठीक है सर। अब असिस्टेंट डायरेक्शन में वापस आ गए, कास्टिंग खत्म करके सब फाइनल हो गया, सारी प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब जिसको प्री प्रोडक्शन कहते हैं वो सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है।
अब परसों शूट है, सारा सेटअप सब कुछ हो गया, परसों शूट है, हम लोग लाइनअप कर रहे हैं कि अच्छा पहले दिन ये करेंगे, ठीक है सर, ठीक। मैं रात को घर आया, सवेरे पहुंचा शूट वाले दिन, सवेरे 8 बजे कॉल टाइम था, हम लोग पहुंच गए, चलिए सर अब चलते हैं। तो मेरे पास बलानी साहब जो डायरेक्ट कर रहे थे वो आए, बोले यार एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हो गया सर? बोले जो लीड रोल कर रहे हैं उनके जो छोटे भाई का किरदार कर रहा है वो चला गया। मैंने कहा चला गया? बोले हाँ अब तो उसी का सीन लगा है अभी। तो मैंने कहा सर अब क्या करें फिर? अब तो बोले यार एक ही चाह रहा है। बोले क्या? बोले तुम एक्टिंग भी करोगे? मैंने कहा सर आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी करवा लो, कास्टिंग तो करवा ही ली थी आपने, आप कह रहे हैं एक्टिंग भी करो, कह रहे यार करना है। तो मैंने कहा हाँ सर अब करना तो है ही है भाई, इतना इतना सब कुछ रेडी है, तो ठीक है। मैंने कहा चलिए ये भी करेंगे। अब वहां पहले दिन डायरेक्शन में अब होता क्या था, कैमरे के पीछे आप खड़े हैं, सारा सेटअप कर लिया, फिर आप भाग के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट जाते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, फिर आप कैमरे के सामने आते हैं। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इधर असिस्ट भी कर रहे हैं, मतलब वो एक कमाल का वो एक्सपीरियंस था। उसमें मुझे जो है याद आ गया कि मैं अब ये काम छोड़ दूं। मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा, इतना मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। आप एडी आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आपको सब कुछ संभालना है। असिस्टेंट डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आपको सारी क्यू सारे एक्ट्रेस को मैनेज करना, उसके कॉस्ट्यूम देखना, उसकी फिर उसके बाद अपने जो मेन कैमरामैन उसके साथ सारा लाइनअप करना, उसके बाद अपनी लाइंस याद करना, फिर उसके बाद कैमरे के सामने जाके अपनी पोजीशन देखना, बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो उसमें मैं घनचक्कर बन गया था पूरी फिल्म में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं ये हो गया है, अब आज के बाद मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, मुझे नहीं करना है कुछ। तो ये एक किस्सा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो सब काम कर लेंगे तो वो थोड़ा सा अवेयर रहें कि वो सारे काम कर सकते हैं क्या एक साथ, बहुत डिफिकल्ट होता है एक साथ, खासतौर से फिल्म के लिए। तो जी सर जो लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए, ऑडिशन के लिए आप कुछ ऐसे कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लोगों को याद रखने चाहिए हमेशा ऑडिशन में जाने से पहले? ऑडिशन में जाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि वो बीइंग एन एक्टर प्रिपेयर है, उनकी तैयारी पूरी है कैमरे के सामने। क्योंकि मैं मुझे बहुत दुख होता है कि जब लोग बच्चे खास तौर से वो ऑडिशन के लिए आते हैं और जब वो कैमरे, क्योंकि मैंने भी एक आध फिल्मों, इस फिल्म को छोड़ के एक आध फिल्मों की मैंने कास्टिंग की है, और कास्टिंग डायरेक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो मना करे किसी को कि आप फिट नहीं है इसके लिए, आप जाइए। तो मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि वो बिना प्रिपरेशन के अगर आप किसी भी काम में कूदेंगे जाके तो शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऑडिशन का टिप्स यही है कि आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करें, कि मैं बतौर, हाँ अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे कि मैं एक्टर हूं, और आपको वहां पे चांस नहीं मिलता ना, आपको ऑडिशन देने गए हैं, आपको वो सिखाएगा नहीं वहां पे, आप वो ये मान के चलता है कि आप एक्टर हैं तो आप सीख के आए होंगे, आपको पता होंगी चीजें, वो आपको स्क्रिप्ट देगा, आपसे बोलेगा ये है, आपको ब्रीफिंग देगा उस कैरेक्टर की, तो वो ब्रीफिंग को समझने के लिए भी तो आपके पास सेंस होना चाहिए। तो वो ब्रीफिंग को जब वो देगा आपको कि वो कैरेक्टर क्या है, वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होगी तो आप परफॉर्म क्या करेंगे? तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता पहले से। आप मुंह उठा के सीधे ऑडिशन देने नहीं आ सकते कि मैं आ गया, लाइन मैंने रट ली और जाके बोल दिया। दिस इज नॉट एन एक्टिंग, ये है नहीं एक्टिंग, ये बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, एंटायरली डिफरेंट है ये, ठीक है? तो वो प्रिपेयर होके आए, ऐसे ही नहीं आना चाहिए ऑडिशन के लिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले सर कुछ एक दो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए, वो मैं रीड करना चाहूंगी यहाँ पर। कोई स्टार्स लाइव करके हैं, उन्होंने आपको बोला है कि इस तरीके के लेजेंड्स, आप जैसे लेजेंड्स को सुनना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने मुझे थैंक्स बोला है कि मैं इस तरीके का सेशन लेकर आई हूँ, और इस आप जैसे लेजेंड्स को सुनना काफी मतलब अच्छी बात है, और
ऐसी बातें वो किसी सिंपल वर्कशॉप से भी नहीं सीख पाते जो यहाँ एक लाइव में वो सीख रहे हैं। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमें विश किया है और आपको अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू। मैं उसके एक बाद बात बोल देता हूँ, फरीन एक चीज मैं बोल दूं, आई एम नॉट अ लेजेंड, मैं लेजेंड नहीं हूँ, मैं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ, सिंपल एक्टर हूँ, और जो मुझे दिखता है सामने मैं बस वही बोल रहा हूँ। मैंने कोई कोई पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, कोई रटी रटाई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा है। और मैं बच्चों से बात करता हूँ, जब मैं आपसे वो बात शेयर कर रहा हूँ जो फैक्ट में है। मैं जब किसी शूट पे जाता हूँ और जब मैं किन्हीं जो ये बच्चे आते हैं जब वहां शूट पर किसी के भी जरिए आते हैं, या वो किसी इन्फ्लुएंस से शूटिंग देखने आ रहे हैं, या उन्हें बड़ा है कि मैं एक करना चाहता हूँ, तो जब मेरे कभी खाली वक्त में उनके साथ बैठता हूँ कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या करना चाहते हैं, किसने आपको बुलाया है, तो आप यकीन मानोगे मुझे इतना दुख होता है फरीन कि उनका ब्रेन वॉश किया होता है ग्लैमर के नाम पर। उनको उनको पता नहीं ऐसे सब्जबाग दिखाए होते हैं कि आप ये हो जाओगे। और जब मैं धरातल की बात करता हूं, मैं फैक्ट की बात करता हूं, वो भले ही आपको पेन देगी, वो आपको चुभेगी बात, लेकिन अगर वो चुभ रही है तभी आप समझ पाएंगे। और अगर आप उस चुभन से दूर भागेंगे तो आप उन बच्चों की तरह जो आते हैं वहां पर और बिना किसी सोच समझ के आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं उन बच्चों को वहां पे मना कर देता हूं कि आप मत आओ, मत करो, आप कुछ और काम करो बेटा, क्योंकि यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जिसने भी बुलाया है उसने अपने फायदे के लिए बुलाया है, आप उनका फायदा फुलफिल कर रहे हैं। वो एक अलग इशू है कि वो फायदा होता क्या है उनका, कैसे वो आपका यूज करते हैं। आप अपने आप का यूज करना बंद करवा दीजिए, मैं चाहे वो थिएटर में हो चाहे वो फिल्म में हो। देखिए थिएटर आदमी इसलिए करता है कि मुझे मेरा नाम चाहिए, उस नाम के एवज में वो अपना वो अपने आप को एक्सप्लॉइट करता करवाता है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे फिल्मों में होता है, नहीं करवाना चाहिए। आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आपका स्टैंड होना चाहिए कि मुझे आता है। इसमें स्टारडम जैसी कोई चीज नहीं होती है, सामने वाला भी एक्टर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। वो स्टार है इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका ऑडिशन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ऑडिशन के जरिए जब आप जाते हैं वो आपको सेलेक्ट करता है, तो वो किसी वजह से सेलेक्ट करता है ना आपको कि आप इसमें फिट हैं, कोई और फिट नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आते हैं, अगर आपको फिट उसने किया है तो इट मीन समथिंग, आपके अंदर कुछ होगा तभी तो किया है उसने। तो आप जब सेट पे जाते हैं तो आपको उसी फील के साथ जाना होगा कि आप ऑडिशन दे के आए हैं, तो यू आर इम्पोर्टेंट। लेकिन वहां एंटायरली डिफरेंट होता है, आप क्या करते हैं स्टार के इन्फ्लुएंस में आके अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं बस सिंपल वे में इतना ही कह रहा हूं, आई एम नॉट अ लेजेंड। हाँ, जो लोग मुझे लेजेंड बोल रहे हैं, प्लीज आई एम नॉट अ लेजेंड, आई एम सिंपल ह्यूमन बीइंग, अ सिंपल एक्टर, आई एम डूइंग माई जॉब, दैट्स इट। ओके सर, लास्ट में बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप एक एक्टर हो और हर किसी के मतलब सेम फील्ड में कोई ना कोई फेवरेट या कहेंगे कोई इंस्पिरेशन होती है, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है एज एन एक्टर के व्यू से? या एक्टर के व्यू से ये सवाल सबसे पूछा जाता है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, मैं कभी किसी एक्टर को किसी फेवरेट दायरे में मैं बांधता नहीं हूं। हाँ, मुझे जिसका काम पसंद आता है, वो उस समय अगर वो काम कर रहा है तो मुझे वो पसंद है। मुझे आई लव इरफान खान, लेट इरफान खान साहब, मुझे वो बहुत पसंद, मुझे पसंद है। मैं मेरे फेवरेट नहीं है, मुझे वो पसंद है, क्योंकि जिस एक्टिंग की बात लोग करते थे इंस्टीट्यूशन में करते हैं, उस आदमी ने वो करा और उसने किया है, इसलिए लोगों को उसका काम पसंद आता है। अब जिनको पसंद आता है वो ये नहीं समझ पाते होंगे कि जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक एक्टर ही जानता है, एक्टर ही समझ पाता है कि हाँ ये क्या कर रहा है। तो जो लोग किताबों में पढ़ते थे उसने वो पढ़ के नहीं, उसने वो समझ के किया, इसलिए वो मुझे पसंद है। और हम
भारतीय फिल्म, आपका टाइम तो नहीं ज्यादा हो रहा है, मैं 2 मिनट और बोलूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके एक्सपीरियंस सुनने में। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय फिल्म में जो एक्ट्रेस होते हैं वो हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट है कि हम स्टार्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम एक्टिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, जब एक्टिंग के प्रोफेशन को छोड़ दीजिए, आप किसी और प्रोफेशन को लीजिए, आप डॉक्टर्स का प्रोफेशन लीजिए, आप लॉयर्स का प्रोफेशन लीजिए, क्या वहां स्टारडम होता है क्या? वहां आपके परफॉर्मेंस पे आपको काम से जाना जाता है, यहां आपके काम से नहीं जाना जाता, आपके स्टारडम से जाना जाता है। कि इरफान खान साहब मेरे लिए, आपको आपको पता नहीं होगा, 1994 में एक गुलजार साहब का एक सीरियल आया करता था, किरदार नाम था उसका। इरफान खान साहब को मैं तब से जानता हूं, आप कभी यूट्यूब में देखिएगा उनका, बहुत अच्छा है। हाँ, वो मुझे वो व्यक्ति तब से पसंद था, जबकि मैं कुछ जानता नहीं था एक्टिंग के बारे में, मुझे वो तब मुझे वो लगता था यार ये कुछ अच्छा, ये अच्छा एक्टर है, आई लव हिम बस, लेकिन ये क्या कर रहा है ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। तो वो सारी चीजें तभी आती हैं, आपने जब वो स्टार बन गया तब उसको रिकॉग्नाइज किया, तो वो हाँ। एक अलग, वो ये वही कर सकता है जो उस प्रोफेशन में होता है, वो स्टारडम से नहीं मेस्मराइज होता है, वो काम को देख के कहता है हाँ इस आदमी का काम अच्छा है। फिर हमें काम को देख के काम को कॉपी नहीं करना है, एक्टिंग का मतलब कॉपी नहीं होता है कि इरफान खान ने कुछ किया तो लोग क्या करते हैं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं इरफान खान की, या फिर किसी एक्टर की कॉपी करना लगना, आपका अपना इंस्पायर होना था तभी तो इंस्पायर होना, मैं कह रही हूँ इंस्पायर हो सकते हैं उनसे आप, कॉपी करना एक डिफरेंट चीज हो जाती है। इंस्पिरेशन को हम कॉपी ले लेते हैं ना, इंस्पिरेशन को हम कॉपी के तौर पे ले लेते हैं ना, कि इंस्पिरेशन ले ली हमने उनसे। आप इंस्पिरेशन भी मत लीजिए, आप उसको समझिए, आप इंस्पिरेशन भी मत, आप उसको समझिए कि ये व्यक्ति ये कैसे समझ रहा है चीजों को, समझ रहे हैं? तो ये लाइफ से आता है, इरफान खान साहब ने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा तब जाके वो उस जगह पे खड़े होंगे। हमने डिफरेंस कर लिया, हमने एक्टिंग को अलग कर लिया, हमने लाइफ को अलग कर लिया, ये सेपरेट हो ही नहीं सकता है, आपको पहले लाइफ को समझना पड़ेगा तब आपको एक्टिंग को समझना पड़ेगा। तो अभी हमारे साथ जो लोग हैं उनके पास में कोई अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो वो वरुण सर से पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। खैर अभी हमारे पास आदित्य हैं, आरजे आदित्य सर आप इन्हें जानते होंगे, इन्होंने कुछ बोला है, क्या ज्यादा थिएटर एक्टिंग, इनका क्वेश्चन है क्या ज्यादा थिएटर एक्टिंग करने के बाद सिनेमा एक्टिंग करना मुश्किल होता है? कई मायने में होता है। थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग डिफरेंट होती है क्या किसी तरीके से, उसमें डिफिकल्टीज फेस होती है, इनका क्वेश्चन ये है सर। हाँ मैं समझ गया, वो मैंने बोला ना, वो तभी तक डिफिकल्टी होती है जब तक आपको पता नहीं है कि बतौर एक्टर आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। इरफान खान बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो उनसे इंस्पायर होते हैं या नवाजुद्दीन से इंस्पायर होते हैं, जो लोग थिएटर कर रहे होते हैं। बहुत सारे एक्टर हैं मेरे पसंद, मुझे कुमुद मिश्रा बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं, मुझे विनय पाठक की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे विजयराज की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे मनोज वाजपेयी अच्छे लगते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में बस सिर्फ टेक्निक का अंतर है, सिर्फ समझ का अंतर है, क्योंकि जब आप कैमरे से करते हैं तो कैमरा बहुत नजदीक होता है, तो आप बहुत सटल से मतलब है आप बहुत आसानी से बात करेंगे। इसको बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जब मैं और फरीन साथ में बैठे होंगे, वर्चुअल नहीं बैठे होंगे, हम लोग साथ में बैठे होंगे ऐसे, सपोज ये फरीन है और ये मैं हूं, तो हम कैसे बात करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे ना। अगर ये डिस्टेंस में बढ़ा दूं तो फरीन के एक्सप्रेशन और उनकी जो
साउंड है, उनका जो वॉइस क्वालिटी है वो इंक्रीज करेगी, यानी वो लाउड होगी, है ना। जब कैमरे के जब हम पास में आएंगे तो हम नॉर्मल होंगे। इस बेसिक दिस इज द बेसिक डिफरेंस, इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए। अगर इसको समझ लेंगे तो फिर आप थिएटर में करिए या फिर आप फिल्म में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी थिएटर करते हैं, हम भी फिल्म भी करते हैं, बस वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि हाँ ये ऐसा है, हो सकता है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है। और आई होप ये आदित्य को अच्छे से समझ में आ गया होगा, या उनको उनके क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया होगा। कैरेक्टर को अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये एक और क्वेश्चन आया है सर, अगर आप बताना चाहें तो। जी कैरेक्टर को अप्रोच करने का तरीका ये है कि जितना मैक्सिमम आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, जितना याद नहीं करने की बात कर रहा हूं मैं, जितना पढ़ेंगे आप एफर्ट मत करिए उसको याद करने का, पहले आप सिर्फ उसको पढ़िए। जितना पढ़ेंगे आपको उस कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक रिवील होती जाएगी, रिवील होती जाएगी, और जब वो रिवील होगी तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये है। पढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और हम लोग करते क्या है, ये अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, मैं इससे कुछ चीज आपको बता दूं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम फिल्में करते हैं, खासतौर पर फिल्म में, तो फिल्म में क्या होता है कि आपको पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ स्टार को दी जाती है, ठीक है ना। स्टार के पास पूरी स्क्रिप्ट होती है, और जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं या उसमें भी टायर्स होते हैं, स्टार, उसके बाद जो को स्टार, फिर उसके बाद वो ऐसे कर, तो जो थर्ड के बाद शुरू होते हैं ना एक्ट्रेस, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं होती, उनके पास सिर्फ पेज होता है वो, जिसमें उनका डायलॉग होता है। तो अब आप ये बताइए, जब अगर सिर्फ पेज होगा तो उस पेज को पढ़ के आप सिर्फ लाइन पढ़ पाएंगे ना, कहानी में उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ये कैसे समझेंगे। थिएटर में तो, आपको ये पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आप पढ़ते हैं। जैसे कि सर मैं पूछना चाहूंगी, मेरा खुद का एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि एक सिर्फ एक पेज मिलता है, तो अगर जैसे हम जब थिएटर करते हैं तो हमें पूरी स्टोरी या कैरेक्टर एक्सप्लेन किया जाता है, तो क्या फिल्मों में ऐसा नहीं होता कि मतलब पहले आपको या सारे कास्ट को कोई एक बार स्टोरी एक्सप्लेन करी जाती हो, या ऐसा कोई प्रोसेस होता हो, या रीडिंग होती हो प्रॉपर? मैंने अपने पूरे काम में तो अभी तक सिर्फ एक बार देखा है, और अभी मैंने एक इंडो ऑस्ट्रिया एक फिल्म मैंने की है, इंडो ऑस्ट्रिया वेंचर है, एक संदीप कुमार जी हैं, मेहरुनिसा फिल्म है, अभी वो आएगी। तो उसमें जब हम कास्टिंग हम लोगों की हो गई थी, तो हम लोगों ने वहां पर बैठकर पूरी स्टोरी पढ़ी थी और अपने कैरेक्टर्स को समझा था। लेकिन नॉर्मली डायरेक्टर्स जो बड़े प्रोडक्शंस होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे जो लोग क्वालिटी काम करते हैं ना, वो जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं सारे एक्टर्स को एक एक चीज पता होनी चाहिए, और तरीका भी यही होता है कि सबको एक एक चीज पता हो कि मैं अगर मेरा एक इतना सा ही सीन है कि मैं कमरे में आया और सिर्फ मैंने एक नजर उनको देखा और मैं चला गया। जी। अगर सिंपल देखिए तो आप चले गए, लेकिन आप क्यों आए थे, आप कौन हैं, इस घर से आपका रिलेशन क्या है, तो जब तक आप पूरी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज कैसे पता चलेगी, तो वो एक्सप्रेशन आप कैसे डिलीवर करेंगे। हाँ। तो ऐसा होता नहीं है, और होना चाहिए, मैं थिएटर में होता है। तो चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चीजों को, और आई होप जितने भी लोग यहाँ पे लाइव आए हैं उन्हें काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, या सर से बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी, मुझे भी मिली हैं, और होप करती हूँ कि आगे भी कभी सर हमें फिर से ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोग उनका ऐसा मतलब आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो हम लोग सर के साथ में दोबारा फिर से आएंगे और किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज बहुत मजा आया सर के साथ बात करके, और जितना भी आपने हमें बताया सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच सर, और होपफुली फिर से मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके।